राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर निशाना साधा, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 2 से 3 महीने में झारखंड में भाजपा की सरकार बनने की बात कही थी। वहीं राधाकृष्ण किशोर ने दीपक प्रकाश के इस बयान को संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का हास का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश की मंशा कभी सफल नहीं होगी। दीपक प्रकाश किस आधार पर कह रहे हैं कि वे 2 महीने में सरकार गिरा देंगे? दीपक प्रकाश का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। भाजपा पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त करना चाहती है। जहां भी राजनीतिक क्षेत्र है वहां राजनीतिक सुचिता के प्रति संकल्पित एक राजनीतिक आदर्श वादिता के प्रति प्रतिबद्ध। कल विभिन्न समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का एक स्टेटमेंट आया और बहुत ही गंभीरता और बहुत ही चुनौतीपूर्ण लहजे में उन्होंने राज्य की जनता को सार्वजनिक बयान के माध्यम से बताया कि 2-3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल आश्चर्यचकित है। अस्पष्ट बहुमत मिला है 11 महीना पहले महागठबंधन की सरकार को। महागठबंधन प्री पोल अलायंस जहां तक मुझे जानकारी है 47 ये सीट ये जनादेश राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन सरकार और महागठबंधन को दिया है। क्या स्थिति है राज्य में? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। जो वित्तीय स्थिति है हमारे आंतरिक संसाधन इस कोविड के कारण जो आर्थिक संसाधन की उपलब्धता है और भारत सरकार ने जो झारखंड सरकार को गवर्नमेंट को जो हेल्प किया है यानी कि कुल मिलाकर के जो फिनेंशियल पोजीशन है सिचुएशन है इस राज्य का उसके आलोक में हेमंत सोरेन की सरकार डेवलपमेंट भी आगे कर रही है। उपस्थित है उनका मैं वेलकम करूंगी और धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और साथ ही साथ आज हम सम्मिलित रूप से इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और हमारे साथ माननीय मंत्री जी और हमारे जो अभिभावक और अभिभावक भी मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति और इनकी गाइडेंस के अंतर्गत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इस्लाम जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं वो भी उपस्थित हैं। बस जो आज का प्रेस वार्ता उस पर चर्चा करने के लिए और अपना अपना जो भी ओपिनियन है वो रखने के लिए। सर, पार्टी की ओर से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े राधाकृष्ण किशोर और मोहम्मद इस्लाम जी प्रदेश के प्रवक्ता है, सुष्मिता बत्रा जी अभी प्रवक्ता है प्रदेश के, हम सबों को प्रसन्नता हो रही है कि बहुत अल्प सूचना पर आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल